ओके सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से जमतारा की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड बहुत अच्छे रिस्पांस भी उसका आ रहा है जिस तरीके से हमने देखा, एंड उसकी कास्टिंग की भी काफ़ी बात की जा रही है। बताइए सर, आप दोनों भी जुड़े हुए कास्टिंग के सामने क्या कहना चाहेंगे आप लोग? यार जमतारा का कास्टिंग एक्चुअली एक तरीके से आप लक भी कह सकते हो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिनमें उस इंटेंशन से काम करा जाता है। तो हमारे पास जब आया था तो तब ये था कि हम लोग को अपने आप को प्रूव भी करना था कि दैट वी कैन एक्चुअली टेक ओवर सच अ प्रोजेक्ट बाय आवरसेल्व्स। एंड व्हेन दिस केम, सो बेसिकली त्रिशांत श्रीवास्तव जो इसका राइटर है, ही एंड मी वी यू लाइक बेस्ट फ्रेंड्स बैक इन कॉलेज इन टीम। तो उसके चक्कर में बस प्रोजेक्ट आया। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टार्टेड, सो हमारे पास ये लिबर्टी थी कि वी हैड टू स्टार्ट रॉ। और हम भी ये चाहते थे कि हम ऐसा कास्ट दें, क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मली ऐसा मांगा जाता है कि यू गिव अ कास्ट विच इज़ पॉपुलर पहले से, जिसका थोड़ा इंस्टा फॉलोइंग। बेसिकली था भी शुरू से यही प्लान था कि मतलब कोई ऐसे फेसेस नहीं लेना जिसमें मतलब नाम हो जिसका। शुरुआत से ये डिसाइडेड था कि आप नए चेहरे लेकर आओ, हम उस पर वर्कआउट करें, क्योंकि इम्पैक्ट रॉनेस जो थी उस सीरीज की वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए था। वो तभी हो सकता था व्हेन वी ब्रॉट फ्रेश एक्टर्स हु आर एक्चुअली वेरी टैलेंटेड। बट या दे सीम रॉ इन द सेंस कि जैसे एक एक्टर में एक आ जाता है व्हेन यू वर्क सो यू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। बट ऑल दीज पीपल इन्होंने पहले इतना काम नहीं करा, सो दे वर वेरी यंग एंड दे इनका पोटेंशियल टैप कर सकते थे, वो किसी चीज़ से यूज टू नहीं हुए थे। करेक्ट। So that was something that really worked out in our favor. Okay, इसी के साथ मैं अगर बात किया जिस तरीके से हमने जमतारा देखी, तो जमतारा में हर एक किरदार की एक अलग वैल्यू है, चाहे वो गुड़िया की बात हो, चाहे वो रॉकी की बात हो, चाहे वो सनी की बात हो। तो किन किन बेसिस पे आपने उन लोगों को सिलेक्ट किया एंड किस तरीके से इसका प्रोसेस रहा? प्रोसेस तो देखो यार एक ही होता है सबका, जो भी हो। स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट पढ़ी। अब ये है कि हम लोगों को बस अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसा, और दूसरी चीज़ क्या, डायरेक्टर का एक ब्रीफ है कि उसको पर्टिकुलर चाहिए क्या, उसको जो चाहिए हमें उस पर काम करना पड़ेगा। और हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था कि यार जो भी होगा ना बिल्कुल बिल्कुल रियल रखना है कुछ। हाँ। ऐसा मतलब ऐसा कुछ प्री डिसाइडेड या पहले ऐसा हाँ। कुछ सोचा नहीं है, मतलब ऑडिशंस करे, लोगों को ढूंढा, बेसिकली कॉल किए सब। हाँ, अगर आप फ्रेश लोग ढूंढते हो तो आपको बहुत सारे ऑडिशंस करने होते हैं। So that we were in for, and that time we understood, generally a casting director is working on couple of projects or 3-4 of projects, but we treated in such a way ki ye abhi yahi karna hai, let's just get into it aur jitna hi mehnat lagega karenge. So we actually tested a lot of people. It's not ki Sunny pehle din hi aa gaya, Sparsh pehle din hi hame mil gaya, and Monica pehle din mil gaya, lekin Rocky pehle din audition. Haan, lekin Rocky pehle din audition. Rocky ka kya tha, first day first audition, first audition. और उसने he was much more muscular, yes, yes. पतला हुआ है, एक महीना उसने लाइक दौड़ लगाई है काफी पतला होने के लिए, मेहनत करी है। और जब आया आपने देखा उसको बल्कि था काफी, उसको बोला जा भाई वापस आ ये सब कम करके, तो वापस आया फिर ऑडिशन किया। उसने 6-7 ऑडिशन दिए, 6-7 ऑडिशन, और 1-2 महीने कंटिन्यू उसका यही चलता रहा। और शुरुआत हमें खुद नहीं पता था कि शुरू में क्या करना है, मतलब उसके साथ कोशिश कर रहे थे और फाइनली हुई। एंड इसी के साथ जैसे कि आपने कहा कि जो रॉकी हुआ, एंड सनी हुआ, काफ़ी लोग आते हैं मतलब ऑडिशंस के लिए, ये वो, तो कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग आपके लिए हो जाता है किसी उस कास्ट को ढूंढने के लिए जो परफेक्ट है? अच्छा, डिफिकल्ट तो हो गया था गुड़िया को ढूंढना था। गुड़िया यार बेसिकली जब आपको ऐसे, अब आप 2 ऑडिशन सीन पर ऑडिशन कर रहे हो, इनके रोल्स कितने सारे, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू ऑडिशनिंग पीपल इज जस्ट दैट गाय ऑन द कैमरा, देयर इज नो गुड़िया। इफ सनी इज ऑडिशनिंग देयर इज नो गुड़िया ऑन द कैमरा, तो आपको सेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है सिर्फ ऑडिशन से देख के, कैन वी एक्चुअली कास्ट हिम फॉर दैट। सो आई थिंक वो स्पेशलिटी तभी आती है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर को कितना आइडिया है कि कौन सही है इसको करने के लिए, वो एक आपके अंदर एक होना चाहिए कि हाँ ये बंदा नहीं कर पाएगा और इस पर हम थोड़ा टाइम अभी लगा सकते हैं। बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट ट्रीटिंग एवरी वन इन द सेम वे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा और शूट शुरू हो जाएगा, आपके पास एक्टर्स लॉक नहीं होंगे। करेक्ट। और ऑब्वियसली सनी के लिए भी लाइक ऑडिशन बहुत टफ था, करीब 1.5-2 घंटा एक ऑडिशन लगता था, एक ऑडिशन 2 घंटा अप्रोक्स जाता था। और उसके लिए जो बाकी उसकी जो टीम है सनी के साथ, जैसे रॉकी है, बच्चू है, शहबाज है, जितने भी लोग थे हम खुद ही बनते थे। अब खुद ही पूरा लाइक पूरा हम लोगों ने एक ज्योग्राफी रेडी की हुई थी जिसमें हम लोग खेलते थे, और ऑब्वियसली बहुत मार पड़ी लड़कों को। किस तरीके से शुरुआत हुई जमतारा की, किस तरीके तक आप तक पहुंची है,
सो बेसिकली गणेश शेट्टी वाज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ मतलब उसी के एग्जीक्यूटिव लाइन प्रोड्यूसर. सो ही वाज एक्चुअली सर्चिंग फॉर कास्टिंग डायरेक्टर्स. सो त्रिशांत वाज राइटिंग इट. सो त्रिशांत सजेस्टेड आवर नेम. सो वी मेट गणेश सर एंड वी हैड अ चैट. ही टोल्ड अस कि देयर इज सम प्रॉब्लम्स विद द बजट एंड बट हमें कास्ट ऐसी चाहिए, आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो, कैन यू टेक अ प्रोजेक्ट लाइक दिस. बिकॉज सर आपके 12-13 एंसेंबल कैरेक्टर्स हैं. देर इज नो नॉट अ वन जिसको आप कह सकते हो कि दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट और दिस इज लेस इम्पॉर्टेंट. सो एवरीथिंग हैज़ टू बी डन विद द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट. तो हमने कहा सर वी विल टेक ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड बजट इज नॉट एन इशू बिकॉज वी हैव अर्न द मनी बट वी वॉन्ट टू प्रूव आवर सेल्फ. यू वॉन्ट टेक ऑन अ प्रोजेक्ट दैट एक्चुअली इज गुड नॉट फॉर द मनी आस्पेक्ट बट फॉर द वर्क आस्पेक्ट. तो एक महीना हमने करीब ही टुक दैट डिसीजन. मतलब एक महीने में फिर उनको फाइनलाइज करना. तो एक महीने वी केप्ट ऑन मीटिंग, वी केप्ट ऑन डिस्कसिंग थिंग्स. देन फाइनली ही सेड एक दिन हम मिले. आई कॉल्ड हिम कि क्या है. सो ही मेट अस एंड उन्होंने कहा 10 बजे तक मैं आपको सुबह बता दूंगा. 10 बजे तक हमारे पास कॉल आ गया था कि आप जमतारा शुरू करो. सो इन दैट वेज प्रोडक्शन वाइज इट वॉज वेरी इफेक्टिव. समटाइम्स आपके पास होता है कि लेट आई विल टेल यू इन अ कपल ऑफ डेज. वो कपल ऑफ डेज का 4 दिन हो ही जाता. बट दिस वॉज वन प्लेस वेयर थिंग्स वर डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन होगा. सो एवरीथिंग वॉज डन इन सच अ वे. सो इट फेल्ट आपका एक इंटेंशन जब आता है ना दूसरों के सामने से कि हम ऐसा अच्छा बनाना चाहते हैं. Correct. तो वो बहुत इफेक्ट करता है. यू फील मोर एंड मोर कंपेल्ड टू डू दैट. यू नो आप बहुत एनकरेज्ड हो जाते हो. सो आई थिंक दैट रियली वर्कड आउट. ओके सी साहब में जब अब रिलीज हो गया है तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? ऑनेस्टली यार मतलब द रिस्पांस हैज बीन ग्रेट. मतलब हमने एक्चुअली उस टाइम ये था कि हम तो ये सोच रहे थे कि यार काम करते हैं और फल वल देखी जाएगी हो गया या नहीं. लेट्स जस्ट ऑनेस्टली जिस तरीके का रिस्पांस है नहीं सोचा था. सिर्फ यही सोचा था कि अच्छा काम करके देना है दैट्स इट. और जब आप अच्छा काम कर देते तो वही है. वही वाह तो मिलती है. मतलब बहुत अच्छा है. ऐसे लाइक फेसबुक पे इंस्टा पे इनफैक्ट लाइक बहुत सारे ऐसे गुनीत मोंगा जैसे लोगों ने भी बहुत इसकी तारीफ करी. सो दैट रियली लाइक ऑल द वेटरन्स ऑफ द इंडस्ट्री आर एक्चुअली टेलिंग नॉट इंडिया लाइक यूके से आए हैं, अफ्रीका से, सब जगह से लाइक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे कौन है भैया. So, yeah, अच्छा गुड साइन ऑफ होप कि हाँ मतलब शायद काम वाम हम और अच्छे तरीके से कर पाएँ और प्रोजेक्ट्स में. सो दैट इज रियली गुड. ओके इसी के साथ में अब सीजन 2 की भी तैयारी हो रही है. इस तरीके से सीजन 1 में हमने देखा जो अधूरी कहानी जो रह गई है तो उसमें किस तरीके की आगे तैयारी चल रही है और क्या और नया देखने को हमें मिलेगा उसमें? यार वो तो राइटर्स ही आपको पता होगा. व्हाट आर द कैरेक्टर्स, किस तरीके के नए कैरेक्टर्स? जब तक यार स्टोरी नहीं लिखी जाएगी हमें कैरेक्टर्स तो पता ही नहीं चलेंगे क्या कास्ट करने. वेट करो उस चीज का. अभी तो मतलब एवरीथिंग इज हश हश. Just work and जब आएगा तब आएगा. अभी तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते. ओके अगर जमतारा की अगर जिस तरीके अभी सीरीज की अगर बात की जाए तो कोई ऐसे कैरेक्टर जो आपके लिए कैरेक्टर ढूंढना बहुत ज़्यादा ईजी था और एक जो मुश्किल था, कौन से कैरेक्टर को बताना चाहेंगे? ईजी तो कुछ नहीं था. नहीं आई थिंक द ईजिएस्ट अगर आप रिलेटिवली कंपेयर करो बाकी सबसे आई थिंक द ईजिएस्ट वॉज टू कास्ट दिबिंदु भट्टाचार्य एज बिस्वा. बिस्वा वी ऑल न्यू वॉट काइंड ऑफ अ टैलेंटेड एक्टर ही इज और हमें पता था कि यस he is someone who wants to work hard. So that was the easiest thing. Usme kisi ne time bhi nahi lagaya unko lock karne mein. The direction team, the production team, everyone agreed ki haan is the best. Other characters agar aap baat karo to like waqt laga sab mein. Matlab every character had its own sab mein time laga aur har waqt like hum log like jaise ki aap humne pehle bataya ki 2 ghanta lagta tha ek audition mein to din mein like 5-6 audition ho rahe hain continue ek ke baad ek. कभी गुड़िया है तो कभी सनी है, कभी रॉकी है, तो ये सब कंटिन्यू चल रहा था. नहीं सबका स्ट्रगल था. हाँ पहले गुड़िया, तो गुड़िया में बहुत 100 लड़कियां टेस्ट हो गई हैं लेकिन होए जा रहा है. तो जब वो मिली, बट ये था कि जैसे ही हमें जो मिला है वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट. एज सून एज वी ऑडिशन मोनिका वी न्यू की शी इज द गुड़िया. जिस दिन हमने स्पर्श को ऑडिशन करा वी न्यू शी इज द सनी. उसी दिन पता चल गया. उसी दिन पता चल गया ये है सनी. काम करो. सो या बीजी के साथ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं व्हेन एवर यू आर कास्टिंग? जब आप कास्टिंग की शुरुआत हो तो खासतौर पर ध्यान देते हैं या? देखो सबसे पहले तो एक्टिंग है ही है और लुक कहीं कहीं हद तक लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हालांकि जब स्पर्श का जब मेरे पास पहली बार फोटो आया था तो लाइक उसने जो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने फ़ोटो भेज, मुझे फ़ोटो भेजे, वो बड़ा डू मतलब शर्ट वर्ट खुली हुई और उसने ऐसे फ़ोटो भेजे थे. बस लाइक भाई कुछ और है तो भेजो, मैंने कहा तुझे बताता हूँ, वेट करो. तो उस टाइम मेरे दिमाग से लाइक क्या कि यार उसका लुक शायद फिट नहीं है. फिर लाइक 15 या 20 दिन बाद
फिर करते अपने उसको फिर फ़ोन किया जो शादाब भी बनाया बेसिकली, उसने फ़ोन किया वापस कि भैया मैं बुलाता हूँ इस पर, उसको मैंने बुला लिया एक बार टेस्ट तो कर ही लेते हैं देखते हैं क्या। और जब उसे टेस्ट दिया उसी दिन हमारे दिमाग में बैठ गया कि यार ये कुछ है अलग है, सबसे अलग है। और बहुत अच्छा ऑडिशन दिया उसने, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑडिशन था। वहीं से तुरंत सर का फ़ोन आया, अरे क्या कर दिया, हो गया भाई सनी बहुत अच्छा है, गुड काम करो, इसको लुक टेस्ट के लिए बुलाते हैं, देखते हैं आगे क्या करता है। ओके, इसी के साथ में और आगे जाके किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आप लोग जो करने वाले हैं उसके बारे में क्या बोलना है? आगे प्रोजेक्ट्स यार देखो सीधी सी बात है कि प्रोजेक्ट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन अभी मतलब मैं बता नहीं सकते कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन दो तीन अभी एक चल रहा है ऑलरेडी, एक अभी जस्ट ख़त्म किया है, एक फिल्म है और एक शुरू हो रही है एक फिल्म, और दूसरा एक वेब भी शुरू हो गया है अभी, उसकी कास्टिंग मतलब इस टाइम चल रही है, तो 2020 में आप देख लेंगे। तो तीन प्रोजेक्ट्स तो अभी आप शुरू हैं ही इस वक्त। ओके, लास्टली आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? यू मीन लाइक वेयर वी कम फ्रॉम एंड ऑल दैट स्टफ? ओके, सो बोथ ऑफ अस आर वेरी डिफरेंट जर्नी एंड बोथ ऑफ अस आर वेरी वेरी डिफरेंट पीपल, बट आई थिंक दैट्स व्हाट वर्क्स विद अस। आए हम दोनों यूपी के हैं, मैं यार दिल्ली में जब था आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DU, तो वहाँ पढ़ाई तो हुई नहीं, थिएटर बहुत ज़्यादा करा, फिर मास कॉम की एक डिग्री करी IIMC से, देन आई केम हियर। यहाँ पे आते वक्त यार द इंडस्ट्री इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग बिकॉज एवरीवेयर एल्स यू थिंक ऑफ अ सिस्टम की यू गिव योर इंटरव्यूज है, यू पोस्ट योर थिंग ऑनलाइन एंड यू गेट कॉल्स। यहाँ पे थोड़ा वो सिस्टम की उस टाइम बहुत कमी थी, अभी तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा सिस्टम यू डोंट रियलाइज वॉट टू डू। I joined Casting Bay in 2016, and before that I had practically just worked on some projects but nothing major ki aisa kuch samajh mein aaye. So when I joined Casting Bay, the Anmol and Abhishek were there, and that was the very right place for me to actually learn something, because these guys were, they were doing something different. These guys were really good, they were very focused on their work, so I learned a lot from them. Within 1 year I left the company. And after couple of months leaving that, me and Vikas started our own thing. It wasn't the intention ki hum apna ek shuru karenge aisa kuch hoga, but once we started working, it was too good. Hume kaam milta gaya thoda bahut. And then in 2018 mein mila Jamtara. 18 mein we got Jamtara, aur abhi idhar. So yeah, from 2016 till here, it has been work, work, work. Abhi thoda sa there is that hope, yes. This can get much more bigger. हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे, वो इट जस्ट वी लक्ड अपॉन इट, वी गॉट सम प्रोजेक्ट्स, वी फाउंड आउट कि हम जब साथ में काम कर रहे हैं विदाउट एनी बॉसेस और विदाउट एनीबॉडी एल्स, देन वी आर मच मोर कंपैटिबल, और हम ऑब्वियसली हार्ड वर्क वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। सो दैट वाज इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो आपको क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, आप ऐसे ही आंखें बंद करके कुछ भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैंने एक 12 में आया बॉम्बे, उसके बाद टेलीविज़न में एज अ कास्टिंग असिस्टेंट काम किया, काफ़ी टाइम तक काम किया, 15 के बाद लाइक अभिषेक से मिला, अभिषेक बनर्जी, उनके एड्स वगैरह काफ़ी शुरू हो रहे थे तो उस टाइम पे शायद एक रॉक ऑन 2 फिल्म जो वो भी चल रही थी कास्टिंग पर, उसमें भी मैंने काम किया। तब से लाइक अभिषेक के साथ काम किया, कंटिन्यू चलता रहा। तो उसके बाद विभू भी आया 16 में, जैसे बताया मेरे साथ विभू ने भी काम किया काफ़ी टाइम तक, तो वही 17 के आसपास मैंने भी दिसंबर में शायद छुआ था वहाँ से। तो खुद नहीं पता था कि क्या करना है एक्चुअली, लेकिन ऐसा था कि कास्टिंग करनी है पर कब करना है ये पता नहीं था। स्टार्ट किया, एक प्रोजेक्ट आया, एक एड फिल्म आई, तो एड फिल्म दोनों ने साथ में किया, तो बस उसके बाद वही सेम जर्नी। दोनों नहीं।